हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज उत्तराखंड के 11वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। शाम से राजभवन में शपथ समारोह। पुष्कर सिंह धामी बनेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में फैसला। विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी, पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को सेवा का मौका दिया। पुष्कर सिंह धामी ने लिया संकल्प, उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में भी सरकार करेगी काम। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर बोले पुष्कर सिंह धामी, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का करेंगे काम। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिले पुष्कर सिंह धामी। नरेंद्र सिंह तोमर और तीरथ सिंह रावत से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री के तौर पर नाम नामित होने के बाद धामी पहुंचे देहरादून के शहीद स्मारक, शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री के तौर पर धामी के नाम के ऐलान के बाद उनके गांव खटीमा में लोगों ने मनाया जश्न। बेटे के नाम सीएम नामित होने पर धामी की माता जी काफी खुश नजर आईं, कहा ये हमारे लिए गर्व की बात। पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा पार्टी ने सर्वसम्मति से नौजवान नेता को चुना मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के बीजेपी सांसद अजय भट्ट का बयान, कहा पार्टी के युवा नेता को बनाया मुख्यमंत्री। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी पार्टी। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 75 में से 67 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट में जीत मिली। पंचायत चुनाव में बंपर जीत पर पीएम मोदी ने योगी सरकार और भाजपा संगठन को बधाई दी। ट्वीट किया, जीत का श्रेय सीएम योगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह को दी बधाई, कहा प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी योगी सरकार। सीएम योगी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, एक दूसरे को जीत की बधाई दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, का चुनाव जीतने के लिए सपा ने गुंडों और माफियाओं की ली थी मदद, लेकिन फिर भी मिली हार। चुनाव जीतने के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, का 2022 में भी कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे विधानसभा चुनाव। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, का बीजेपी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बनाया मजाक, बीजेपी ने धांधली कर जीता इलेक्शन। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में सीएम योगी का दावा, 2022 का चुनाव भी 2/3 बहुमत से जीतेंगे। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर बोले सीएम योगी, किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी जीती, किसानों को भड़काने वाले हार गए। सीएम योगी ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। धर्मांतरण पर बोले इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश। इंडिया टीवी के साथ बातचीत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसान शर्तों पर बात नहीं करेगा, किसानों को सरकार पर यकीन नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कानून वापसी के बिना नहीं मानेंगे किसान, यूपी चुनाव पर सितंबर में करेंगे मीटिंग। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में बोले आप सांसद संजय सिंह, अखिलेश यादव से गठबंधन पर चर्चा नहीं। सांसद संजय सिंह ने कहा बड़े राज्यों में गठबंधन नई बात नहीं, जनता के हित में दलों का साथ आना जरूरी। श्रीनगर में आज एनसी की बैठक, परिसीमन आयोग की कार्यवाही में पार्टी की भागीदारी पर फैसला संभव। 26 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र, 30 जुलाई को खत्म होगा। पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट को कार्यों की समीक्षा की, 6 प्रोजेक्ट पर चल रहा काम। यूपी को इसी महीने मिलेंगे सेहत की सौगात, जुलाई में 9 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, पीएम मोदी एक साथ करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सराहना की, नए आईटी नियमों के तहत तीनों को हटाए हैं आपत्तिजनक पोस्ट। एलओसी पर सेना को मिली बड़ी कामयाबी, पुंछ जिले के एक घुसपैठिए को किया गिरफ्तार। पालघर में भारत केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 3 जख्मी, राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के बहराइच में विवाहित लड़की को पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया, परिवार का 3 मुस्लिम युवकों पर आरोप। राज्य सहकारी बैंक घोटाले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बीजेपी पर हमला, का बीजेपी विरोधी पार्टियों के खिलाफ ईडी कर रही जांच। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 17 क्रूड बम मिले, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब में बिजली की समस्या कम करने के लिए अब एक्शन में सरकार, जल्दी पावर कंपनियों ने बिजली खरीद की डील की। देश में एक दिन में कोरोना के 43,222 केस, 24 घंटे में 932 लोगों की मौत, 34,50,00,000 पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,489 केस, 153 लोगों की जान गई। नागपुर में वैक्सीनेशन सेंटर 4 दिन के बाद फिर से खुला, सेंटर के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। केरल में कोरोना के 12,456 नए केस, बीते 24 घंटे में 135 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 86 नए केस, 5 की मौत। यूपी में कोरोना के 112 नए केस, सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में 17 केस। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज की।
I'm Surbhi Sharma. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।